कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार दोस्तों, इस मोटिवेशनल तथा सीने में आग लगाने वाले इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल पर हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत की महिला एयर वाइस मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय की। जहाँ हमारे देश में महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, वहीं इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं जिसकी वजह से भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। तो चलिए हम इस महिला एयर वाइस मार्शल की कहानी को शुरुआत से जानते हैं कि कैसे इन्होंने इतने बड़े पुरस्कार तक का सफर तय किया। जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज्यादा जरूरी हो जाएगा, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात का जीता जागता उदाहरण है पद्मावती बंदोपाध्याय, जिन्हें भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल होने का गौरव हासिल है। पद्मावती बंदोपाध्याय ने साल 1968 में इंडियन एयर फोर्स को ज्वाइन किया था। यह बात आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन याद कीजिए ये वो दौर था जब महिलाओं के लिए घर की दहलीज पार कर बाहर काम करना सही नहीं माना जाता था। तब पद्मावती बंदोपाध्याय ने अपने जुनून और जज्बे से नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिखाया। वह उत्तरी ध्रुव में वैज्ञानिक अनुसंधान में काम करने वाली पहली भारतीय महिला है, जिन्हें भारत सरकार ने 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। एक महिला होने के नाते उनके लिए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने उस दौर में ऊंची उड़ान भरी जब लड़कियों को सपने देखने की भी आजादी नहीं थी। डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय ने उस समय वायुसेना की डगर पर पांव रखा था जब लड़कियों को घर से निकलने की भी आजादी नहीं थी। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्हें समाज की बंदिशों को तोड़ना ही पड़ा। जिद चाहिए जीतने के लिए, हार के लिए तो एक डर ही काफी है। 4 नवंबर 1944 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जन्मी डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय के सपने शुरू से ही आसमान छूने वाले थे, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। उनकी मां को तपेदिक की बीमारी थी, जिसके कारण उन्होंने 5 साल की उम्र में ही अपनी मां की प्राथमिक देखभाल करनी शुरू कर दी थी। मां की देखभाल करने के साथ साथ वह अपनी पढ़ाई भी किया करती थी। घर का कार्य करना और साथ में पढ़ाई करना एक 5 साल की बच्ची के लिए इतना सरल नहीं था। जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा ही करना पड़ता है। अपनी माँ का इलाज अच्छी तरह से कराने के लिए पद्मावती बंदोपाध्याय अपनी माँ को नई दिल्ली ले आई। यहाँ गोल मार्केट में उनके पड़ोस में उनकी सहेली और लेडी हॉस्पिटल में मेडिसिन की प्रोफेसर डॉक्टर एस पद्मावती रहती थी। सफदरजंग अस्पताल में अपनी माँ की बीमारी के इलाज के दौरान ही लेडी डॉक्टर को देखकर उन्हें डॉक्टर बनने की प्रेरणा मिली। लेकिन उन्होंने आर्ट्स में अध्ययन किया था, इसलिए ग्रेजुएट होने के बाद डॉक्टर बनने की प्रेरणा को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में मानविक से विज्ञान स्ट्रीम में कठिन और असामान्य परिवर्तन किया। उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज में प्री मेडिकल की पढ़ाई की और फिर 1963 में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे में दाखिला लिया और आगे चलकर वह 1968 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई और कुछ सालों के बाद ही वह वायुसेना अधिकारी सतीनाथ बंदोपाध्याय से शादी की। अपने हौसलों को ये मत बताओ तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपने परेशानी को ये दिखा दो तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। डॉक्टर पद्मावती के जीवन में विशेष मोड़ तब आया जब उन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय सराहनीय कार्य किया। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से लेकर वायुसेना में कमीशन अधिकारी बनने तक डॉक्टर पद्मावती खतरों से काफी हद तक अनजान और बेपरवाह थी। मगर भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध में हिस्सा लेने के बाद उनके हौसले को पंख लगे और उनकी उड़ान कारगिल युद्ध से होते हुए वायुसेना में एयर मार्शल बनने पर ही रुकी। उन्होंने वायुसेना में तैनाती के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1971 युद्ध और कारगिल युद्ध में भी हिस्सा लिया। इस दौरान वह सैनिकों के बीच 5 महीने तक बंकरों में डट कर रही। उन्होंने दुनिया को यह दिखा दिया कि युद्ध के क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। जब इनके हौसले इतने बुलंद हैं तो आप समझ सकते हैं कि इन्हें किन किन अवार्ड से सम्मानित किया गया होगा। उनमें से कुछ पुरस्कारों के बारे में हम आपको बताते हैं। डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय अपने उत्कृष्ट कार्यों की बदौलत कई सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। उन्हें विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और राष्ट्रपति से सम्मान पदक सहित देश दुनिया में करीब 1 दर्जन से ज्यादा सम्मान मिल चुका है। हाल ही में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने वर्ष 2014 के लिए इन्हें वुमेन ऑफ द ईयर चुना है। यही नहीं, डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय को भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया है। पद्मावती महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर आज भी आवाज उठाती है। वह कहती हैं कि वह उस दौर में सेना में शामिल हुई थी जब महिलाओं को सेना में भेजना तो दूर, परिवार के लोग उन्हें घर से अकेले निकलने तक नहीं देते थे। आज का दौर बहुत अलग है। अब लड़कियां सेना के हर विभाग में तैनात हैं। जो अपने अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखती हैं, वे अपने लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ सकती हैं। उनके इरादों के सामने हर वो मुकाम छोटा हो जाएगा जो उन्हें पाना चाह है। एयर मार्शल डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय आज सही मायने में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी सफलता की कहानी कई महिलाओं को प्रेरित करने वाली है।
जिस तरह से युद्ध में भी उन्होंने हार नहीं मानी और वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल बनी, वो वाकई अद्भुत है। इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल भी डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय के उत्कृष्ट कार्यों की तहे दिल से सराहना करता है। इस अंतिम दो लाइन में ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को उन महिलाओं तक जरूर पहुंचा देना जो डर कर कोई कदम नहीं उठाना चाहती, और वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।